दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सर्विसेस 24 में। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। हम सीखेंगे मॉर्फो जो हमारा डिवाइस है उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अगर उसका RD सर्विस एक्सपायर हो गया है। सबसे पहले जो है आपको जाना है, कोई भी ब्राउजर खोल ले, वहां जाकर के मॉर्फो RD सर्विस उसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबसे पहले जो आपके सामने साइट खोल रहा है आप यहां देख पा रहे हैं, मॉर्फो RD सर्विस online.com वाला जो आपके पास साइट दिख रहा है पे क्लिक करना है। rdserviceonline.com तब तक ये साइट खुल रहा है, तब तक जो है आप अपना डिवाइस का सीरियल नंबर अगर आपके सामने दिख रहा है, आपके मॉर्फो डिवाइस जो है उसके पीछे दिखता है वहाँ देख सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना के रखा है कैसे आप जो है अगर आपका डिवाइस का सीरियल नंबर दिख नहीं रहा है तो कैसे चेक करेंगे, तो आई वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब इसकी एक बार वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मॉर्फो है उसका वैलिडिटी कितने दिनों का है। तो इसके लिए जो है हमको चेक वैलिडिटी पे क्लिक करना है, वहाँ क्लिक करने के बाद अपना मॉर्फो का जो है सीरियल नंबर इंटर करना है। इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है सीरियल नंबर हमारा जो है वैलिड है, फिर डबल जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख पाएंगे मॉर्फो का जो डिवाइस है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है, कब रजिस्ट्रेशन किया गया था, कब इसकी वैलिडिटी एक्सपायर की गई है, कितने साल के लिए था, सारा कुछ डिटेल आप जो है यहाँ देख सकते हैं। RD सर्विस का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर कर गया है, अब उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन न्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बाय RD सर्विस वाले बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा। आप जो है अपनी सर्विस वैलिडिटी का जो ईयर होता है वो 1 साल 2 साल और 3 साल का होता है। 1 साल का अलग अमाउंट होगा, 2 साल का अलग अमाउंट होगा और 3रे साल का अलग अमाउंट होगा। वो आप जो है डिस्क्रिप्शन में ये ईयर चेक करके देख ले कि क्या आपका अमाउंट वहाँ पे काटा जा रहा है। अभी फिलहाल मान लीजिए मुझे 3 साल तक की वैलिडिटी लेनी है तो मैं 3 साल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मॉर्फो का जो है सीरियल नंबर वो इंटर करूँगा, डिवाइस का जो मॉडल है उसको इंटर करूँगा, और उसको इंटर करने के बाद जो है ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर लूँगा। वो जो है अपना कार्ड चेक करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें और फिर आगे बढ़ें। चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चेकआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आप नए हैं तो उनको जो है यहाँ आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको अपना पूरा डिटेल भरना है, अपना पैन नाम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम में जो है आप हमेशा जिस बैंक का काम कर रहे हैं ठीक है उस बैंक का यहाँ पे नाम दे दें, अपना पूरा पता दें, सिटी दे, सिटी का नाम दे दें, देश का नाम दें, अपने स्टेट का नाम दे, पिन कोड भरें, अपना मोबाइल नंबर दे, कंटिन्यू टू पेमेंट पे जो है क्लिक करेंगे। तीन साल का जो हमने सर्विस लिया था यहाँ पे 725 रुपया इसका चार्ज है, इसके अलावा 130 रुपये का जो है हमें टैक्स देना है। इसको करने के बाद कंप्लीट पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे अब आपसे मोड यहाँ पूछा जाएगा किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। 4 तरह का कैटेगरी है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी फिलहाल मुझे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, स्टेट बैंक का खाता है मेरा, तो मैं यहाँ से जा करके स्टेट बैंक वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। तो यहाँ सामने merchantonlinesbi.com जो है खुल गया है। यहाँ पे मैं डालूँगा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, लॉगिन करूँगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो भी मेरा अकाउंट है उस अकाउंट को सेलेक्ट करके पेमेंट मोड आपको पता ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे आप लोग, तो OTP के थ्रू पेमेंट होता है। OTP आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, उस मैसेज को डाल करके कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार का खुल जाएगा पेज कि आपका सर्विस जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। एक चीज़ और, आप अपना उसके बाद मेल चेक करेंगे। मेल आने में 1 से 2 घंटा का समय भी लग सकता है या फिर तुरंत अपडेट भी हो सकता है। ये मेल चेक करेंगे, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो है मॉर्फो का जो है RD सर्विस है वो इंस्टॉल हो गया है। फिर अपना जो है RD सर्विस का जो है सेटअप एक बार रीस्टार्ट कर लें। सेटअप रीस्टार्ट करने कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जो आपको आई बटन में दिख जाएगा, वहां से जा करके आप चेक करके इसको ठीक कर सकते हैं। RD सर्विस के सेटअप को चलाने के बाद जो है आप यहां देख पाएंगे आपका RD सर्विस का जो आपका जो डिवाइस है मॉर्फो वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब एक बार फिर से दोबारा इसकी वैलिडिटी चेक कर ले कि कब तक की वैलिडिटी है। सेम प्रोसीजर है, चेक वैलिडिटी पे जाकर के क्लिक करेंगे और फिर वहाँ सीरियल नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ देख पा रहे हैं हमारा वैलिडिटी अपडेट हो चुका है 16/5/2020 से 15/5/2023 तक 3 साल के लिए अपडेट हो चुका है। ये RD सर्विस का जो है हमारा मॉर्फो सर्विस का जो डिवाइस है वो RD सर्विस 3 साल के लिए अपडेट हो चुका है।
इसके बाद जो है हमको आपको क्या करना है, अपना स्टेट बैंक का या फिर जिस बैंक का काम कर रहे हैं उस बैंक का आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और फिर सुचारू रूप से काम करना है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी थोड़ी मदद कर पाए। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।